को बोलते हैं आप लोग, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मस्त हुई है। तुम्हें दो तो फिलहाल हम लोगों ने सारी मशीनों की अनबॉक्सिंग कर दी है, सबको एक्वेरियम के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं सर, मेरे पास गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा वेरायटी आई हुई है और कुछ 100 पीस भी एकदम डिफरेंट और यूनिक आए हैं। और उसके बाद जो गोल्ड शुभांकिन आई है, जो रेड शुभांकिन जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा एक्जॉटिक होती हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। ये गोल्ड के साथ में बहुत अच्छे से रह रही हैं। क्या ये बड़ा वाला टैंक है, आप लोग देखे थे, जो 6 फिट का हाइट है, 10 इंच, डेप्थ है 2 फिट। और इसमें गोल्ड जैसे लगभग सभी बहुत ही अच्छे तरीके से रहे, लीची गोल्ड वगैरह हैं और नॉर्मल गोल्ड है, वेलटेल गोल्ड हैं। अभी इसमें रेड शुभांकिन भी आ गई, ब्लैक गोल्ड भी आ गया है। इस तरीके से अपन लोग सारी मछलियों को देखते हैं अपने पास, अभी कौन कौन सी आई हैं। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ जो पहले नहीं आई थी और इस बार आई हुई हैं, जैसे कि सिल्वर शार्क छोटी साइज की मेरे पास आई हैं। और सिल्वर शार्क 10 फाइल बार के साथ में भी रह लेती है। और ऐसी बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जैसे साइज के अकॉर्डिंग, फिशियल फिशेज के साथ तो रखने को नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, जैसे कि बनाना, लेकिन ये सेवरम के साथ में रह लेगी, येलो सेवरम, ग्रीन सेवरम, क्योंकि लगभग दोनों सेम होती हैं। और सेवरम में थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, पैरेट वैरेट के साथ भी रहती है, बट साइज सेम होना चाहिए मछलियों का, सेवरम का और बनाना का। और ये अगर आप लोग सोचेंगे बार बार किसी से पूछने से कि साइज आपके पास बड़ी मछली हो कि छोटी मछली के साथ में रखना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो मछली बड़ी के साथ में नहीं रहेगी वो नहीं ही रहेगी, किसी के कहने पे वो रहने नहीं लग जाएगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कोई कार्प आई है एक्जॉटिक वाली, जो येलो कोई और ब्लैक होती है। और इसके साथ में शार्क फिशेस देख सकते हैं, ब्लैक शार्क है। इनकी जो प्राइस है ब्लैक शार्क की 50 रुपीज़ है, और जो कोई कार्प है वो फिलहाल 100 रुपीज़ ईच है, 100 रुपये की एक है। वैसे काफ़ी महंगी होती है बट इस बार थोड़ा सा सस्ती है, इनकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा है और साइज़ भी छोटी आई हुई है। यहाँ पर मार्बल इंजन मेरे पास आ चुका है, इसकी आप लोग साइज भी देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। पोलर ब्लू पैरेट, प्लैटिनियम पैरेट, ये भी आ चुके हैं, ये 100-100 रुपए के प्लैटिनियम पैरेट, पोलर पैरेट ब्लू। एंजल जो है 60 रुपीज़ ईच। जैसे साथ में फ्लावर हॉर्न मेरे पास, ये पुराना वाला ही है, इसे हीटर लगा के रखना पड़ता है, अगर बिना हीटर वाले टाइम रखेंगे तो इनके कलर ख़राब होने लगते हैं। उसके साथ में वेलटेल कोई एंजल, ये पुराना वाला स्टॉक ही है, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें रह रहा है, और जिसकी कीमत है वो 200 रुपीज़ पेयर, 100 रुपीज़ ईच। इसमें कुछ विडो टेट्रास हैं, इनकी साइज़ थोड़ा सा बड़ी है। उसके बाद में कुछ छोटी विडो टेट्रास हैं जिसमें, ये 80 रुपीज़ पेयर हैं, 80 रुपये पेयर, 40 रुपये की एक। आप लोग टेम्परेचर देख सकते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस इस टाइम पर चल रहा है यहाँ पर हमारे रिवाम पानी का। वो भी सबसे खास चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन आई हुई है, इसको बोलते हैं आप लोग, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मस्त कोई है। इसमें दो तरह की, जैसे आप लोग देख सकते हैं कॉमन ये ब्लैक और ऑरेंज कलर की कोई कार्प आती है, उससे बिल्कुल अलग हैं जो अभी आई हैं, जिनमें आप लोग देख सकते हैं वाइट और रेड में। जापानी कोइस जो होती हैं सेम टू सेम वैसी हैं, बट इनके रेट थोड़ा सा उनसे कम है, मतलब कि 300 रुपीज़ पेयर, 200 रुपीज़ पेयर, ये इस रेट पे मिल जाएंगे। और आपको पूरा लुक और देखने में एकदम जापानी कॉर्प रखने जैसा ही एहसास होगा। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं इंडियन नाइफ आई हुई है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद आई हुई मेरे पास में, पहले मंगाता था, बहुत दिनों से नहीं मंगाया था, अभी इस बार मंगाया है। ये लगभग कॉर्प ग्रुप तक में रह लेती हैं, गोल्ड के साथ में नहीं रहेंगी और छोटी मछली के साथ में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं चिचल फिश के साथ रखना, जैसे कि आपकी ग्रीन टेरर हो गई या बनानास हो गई, ब्लू चिकलेट्स हो गई, उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहेगी, वो इनके फिन रूट कर देंगी और धीरे धीरे इनको मार देंगी। पिछले वाले लॉट में मेरे पास नहीं आई थी, आप लोग जानते हैं कौन सी, फुल मून बेट्टा फिशेस, जो कि इस बार आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कलर जो मेरे पास आए हैं ज़्यादातर इस बार ब्लू ही आए हैं, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन में है। इनकी जो प्राइस मैंने रखी हुई 200 रुपीज़ रखी हुई। एक मेरे पास बहुत अच्छा ब्लू कलर आया है, इसका जो बॉडी शेप है बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, आप लोगों को कैसी लग रही। इस मछली को हमेशा अलग ही रखना चाहिए, किसी सारी मछली के साथ मिक्स बिल्कुल भी ना करें। एक आई हुई वाइट कलर में, वाइट और ब्लू, मतलब ब्लू तो सारे भी हैं, ब्लू कलर वैसे मेरे जरा फेवरेट कलर है। आप लोगों का कौन सा फेवरेट कलर है आप लोग शायद मुझे बता सकते हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं फिर से ब्लू है, ब्लू ही लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता जाएगा, लेकिन है सारे में ब्लू रेड ऐसे शेप आ रही है। टाइगर बार
का ये पुराना स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन है, जो कि एकदम से अच्छा है। देखिए चिचिल्स मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई, लेकिन कुछ यूनिक मछली आई हुई है, जैसे कि पैरेट और ये ब्लू चिकलेट्स। ब्लू चिकलेट अभी का है, पैरेट हार्ट शेप की है, जो पहले वाली है वो नहीं आई है। तो इसके साथ मेरे पास डॉलर फिश आई हुई है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। डॉलर फिश की काफ़ी दिनों से डिमांड थी, बहुत दिन से लोग ढूंढ रहे थे, जो कि इस बार मेरे पास आ चुकी है। किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ तो है। आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पास एक तरफ है, लगभग 10 पीस होंगी मेरे पास। इनका जो प्राइस है 100 रुपीज़, 100 रुपये की एक है। उसके साथ में एक और यूनिक मछली आई हुई है, आप लोग देखें और पहचाने कौन सी। ये लगभग बरसात के सीजन में पाई जाती हैं और मिलती भी हैं। ये है लिली गुरामी, ये भी 100 रुपीज़ है, 200 का पेयर है। ये नॉर्मल गुरामी फिशेज हो गई, उनके साथ में भी रह लेती हैं, मतलब ऐसी फिशेज के साथ में तो बिल्कुल नहीं रहती, जैसे बनाना हो गया या ब्लू चिकलेट्स हो गई, ऑस्कर हो गई, पाकू हो गई, चिचल्स जो एग्रेसिव चिचल्स हो गई, सॉफ्ट चिचल्स जैसे एंजल के साथ रह लेगा, एंजल टाइप का एंजल जो रखे होंगे तो एंजल के साथ में पता है कौन कौन सी मछलियाँ रह लेती हैं। सिल्वर शार्क हो गई, ऐसी टाइप की हो सकती है जो फिन निप नहीं करती, उनके साथ में। उसके साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपने रेट शुभांकिन के प्राइस 80 रुपीज़ ईच है। गोल्ड जो नॉर्मल होती हैं विल्टेल गोल्ड वो 50 रुपीज़ ईच है। लीची गोल्ड 100 रुपीज़ ईच है। और इसमें मेरे पास कुछ 100 पीसेस भी आए हुए हैं, जो एकदम यूनिक और डिफरेंट, जो मेरे पास शायद पहली बार आए हैं और आप लोग भी शायद पहली बार ही देखेंगे, वो हैं वो बुद्धा जी लोग, नेचुरल में बने हुए हैं और ये पकी हुई मिट्टी के हैं, कलकत्ता से जो आते हैं बर्ड के, ये मूर्तिकार लोग बनाते हैं, ये वो वाले हैं। उनकी साइज़ भी लगभग 6 इंच 8 इंच हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसमें 2 बुद्धा जी बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।